नमस्कार। विवेकानंद शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडा चाइनावास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स चैप्टर में हमने जो परावर्तन टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट कर लिया था। दर्पण सूत्र क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम, हरदम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इन सब का अध्ययन हमने लास्ट क्लासों के अंदर कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, प्रतिबिंब निर्माण। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, मैं प्रतिबिंब निर्माण से पहले एक छोटा सा टॉपिक है रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन, इस नाम से ही इसकी परिभाषा आपको पता चल गई होगी। रे आवर्धन, आपने हिंदी के अंदर एक वर्ड पढ़ा होगा, किसी चीज को आवर्धित करना। आवर्धित करने का मतलब है उसके आकार को बढ़ाना। कोई कहे कि ये तार का टुकड़ा है, इस तार के टुकड़े को आवर्धित करो, तो हम आवर्धित करने से क्या समझेंगे, इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे। तो आवर्धन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना है। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या है, कोई प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना छोटा बन रहा है या कितना बड़ा बन रहा है, कितने गुना छोटा बन रहा है, कितने गुना बड़ा बन रहा है, वो ही क्या है, रेखीय आवर्धन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, तो इसके लिए हम इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। अर्थात इस जो रेखीय आवर्धन है इसे m से दर्शाते हैं। m बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। इसका गणितीय रूप लिखना चाहूं तो मैं इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश मान लेता हूं और बड़े में बिंब की ऊंचाई जिसे मैं h मान लेता हूं। ये हो गया इसका सूत्र। m बराबर होता है h डैश अपॉन h, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। अरे इसका एक नया सूत्र और है, माइनस v बटे
यू अर्थात प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी के अनुपात का ऋणात्मक मान किसके तुल्य होता है? रेखीय आवर्धन एम के तुल्य होता है। तो आप क्या कह सकते हो रे? आप कह सकते हो एम बराबर होगा एच डेस बटे में एच बराबर माइनस बी बटे यू। ये आप कह सकते हो इन दोनों समीकरणों से। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाले का कोई भरोसा नहीं है। उसका काम केवल पूछने का है, वो कुछ भी पूछ सकता है। आपको केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देना है जो बातें उस क्वेश्चन में दी हुई हो। आवर्धन पूछ रहा है तो आपको ये सूत्र ध्यान में आना चाहिए कि यार हमें पता था एम बराबर होता है एस डेस बटे एच बराबर माइनस वी बटे यू। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एच एच डेस दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एच डेस और एच दिया है आसानी से आवर्धन ज्ञात कर लोगे, वी व यू दिया हुआ है आसानी से आवर्धन ज्ञात कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन देने वाला कभी कभार ज्यादा दिमाग लगा लेता है और क्या करता है, और वो करता है कि एक एच डेस दे देता है, दूसरा वी दे देता है, तीसरा एच दे देता है या यू दे देता है, इनको आपस में घुमा फिरा के आवर्धन का मान पूछ लेता है। या आवर्धन का मान न पूछकर इन चारों में से कोई एक चीज पूछ लेगा, वो भी आप यहां से आसानी से याद करें सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे प्रतिबिंब बनाने पर, किस प्रकार से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। बस देखते हैं, हमने पहले कहा था प्रतिबिंब बनाने के लिए दो परावर्तित किरणों को आपस में मिलना जरूरी है। जहां भी दो परावर्तित किरणें आपस में मिलेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान रखना किरणें परावर्तित होनी चाहिए। आपकी किरणें दो नहीं चाहे हजार आपस में मिल जाओ, लेकिन बिंब का निर्माण सॉरी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। प्रतिबिंब का निर्माण तभी होगा जब दो परावर्तित किरणें आपस में मिलेगी। कौन सी किरणें? परावर्तित किरणें। आपकी किरणों से के मिलने से प्रतिबिंब नहीं बनता है, प्रतिबिंब बनता है परावर्तित किरणों के आपस में मिलने से। दो होनी जरूरी है, दो परावर्तित किरणों का मिलना जरूरी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें होनी चाहिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए। जैसे ये परावर्तित किरण है, ये दूसरी आई, ये मिल गई है, प्रतिबिंब बन जाएगा। तीसरी आती तो भी इसी बिंदु पर मिलनी थी, चौथी आती तो भी इसी बिंदु पर मिलनी थी। ये बिंदु चेंज नहीं होने वाला, चाहे किरण दो मिला दो, चाहे किरण तीन मिला दो, चाहे किरण चार मिला दो, बस मिलाने वाला होना चाहिए। किरणें चाहे कितनी भी मिले, प्रतिबिंब वही बनना है, कहीं दूर मिल जाएगा। अब हम प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। प्रतिबिंब निर्माण, मैंने पिंक चौक यूज की है, लेकिन ये पिंक कलर दिखाई नहीं दे रहा, कोशिश की दिखाने के बाद ही ना। अब प्रतिबिंब निर्माण
हमने कहा था कि उत्तल दर्पण में किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी, अवतल में वास्तव में मिलेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर भी मिलती हुई ही प्रतीत होगी। तो हम दोनों में अलग अलग पढ़ेंगे। पहले मैं अवतल दर्पण की चर्चा करता हूं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इसके बाद में भी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करूंगा। प्रतिबिंब निर्माण आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बेसिक है, ये पता होना जरूरी है। आप क्या, यदि कोई भाई बहन हो, वो टेंथ क्लास में हो, वो पूछे कि भैया या बहन मुझे ये प्रतिबिंब बनाकर दिखाओ, तो आप दिखा नहीं पाओगे। तो आपकी इज्जत क्या रहेगी उसके सामने? उस इज्जत को बनाने बचाने के लिए प्रतिबिंब निर्माण बता रहा हूँ। वैसे आपके सिलेबस में ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और पूछने वालों का क्या कुछ भी पूछ सकता है। ये मेरे पास क्या है, अवतल। कौन सा? यदि अंदर दशा हुआ भाग प्रावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, या उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश कर दी जाए, तो प्राप्त गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण बना दिया, ये इसका है मुख्य फोकस, सॉरी ध्रुव, ये है इसका वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ये इधर है अनंत, ये इधर क्या है? अनंत है। ये है इसका मुख्य फोकस। अब मैं बिंब को कहां कहां रखूं, कौन कौन सी संभावित स्थितियां हो सकती है बिंब रखने की, उनके बारे में यहां हम डिस्कस करेंगे, और उन्हीं संभावित स्थितियों से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। पहली स्थिति है यदि बिंब अनंत पर स्थित, दूसरी स्थिति है यदि बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, तीसरी स्थिति है यदि वक्रता केंद्र पर स्थित हो, चौथी स्थिति है यदि वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो, पांचवी स्थिति है यदि मुख्य फोकस के ऊपर स्थित हो, छठी स्थिति क्या होगी रे, यदि मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो। इससे आगे की और स्थितियां नहीं हो सकती। कोई कहे मैं इधर चला जाता हूँ, तल्ले भर मेरा क्या करते हैं, चला जाता आ गया सातवीं स्थिति लेकर, लेकिन यहां से कोई प्रकाश की किरण जाएगी और टकराएगी कि जिरे, कोई बोल दे कि रजत पोली से टकरा लेगी, तो रजत पोली से टकराने से परावर्तन नहीं होने वाला है। रजत पोली से टकराने से परावर्तन नहीं होने वाला है। परावर्तन तो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी ना, तभी होगा। तो इधर जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं सातवीं स्थिति ले नहीं सकता, सातवीं स्थिति ले नहीं सकता। मेरे पास केवल छह स्थितियां हैं। इन छह स्थितियों का मैं अलग अलग डायग्राम बनाकर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। और किसी के मन में हो और कहां रखने की तो रख देना। लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से बिना बताए भी आप करें सकते हो। यदि आप ये करोगे ना कि डायग्राम यहाँ रखो, बाद में इससे प्रकाश की किरण निकालो, वो इसे टकराएगी, बाद में गुजरेगी, ऐसा नहीं करके उस ट्रिक से आप डायग्राम कर सकते हो, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ट्रिक के काम में नहीं आती समझी हुई चीजें, परमानेंट मेमोरी बन जाती है। और ये फिजिक्स है, इसमें समझने का रोल बहुत ही ज्यादा है। हमें अलग अलग स्थितियों पर बताऊंगा। केस फर्स्ट में जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो, मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, बस जितना मैं यहां लिखूंगा उतना ही कर।
ये क्या है? ध्रुव है। ये वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस है। हा उत्तर दर्पण है, हमने कहा उत्तर दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर दशा हुआ भाग कार्य करता है ना, वो ही अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। वस्तु कहां रखती है? अनंत पर रखती है। ये मैंने अनंत पर कोई वस्तु रख दी, वस्तु का नाम दे दिया मैंने, वस्तु रख दी। अनंत बहुत दूर है, हमें नहीं पता कहां है। हमें हमारे पास जो भी किरणें आएगी ना दर्पण के पास, उन किरणों को हम समांतरी लेंगे। हमें नहीं पता कि अनंत कहां है, वो वस्तु कहाँ रखी हुई है हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि वो अनंत पर रखी हुई है। अनंत का मतलब कहीं भी हो सकता है, उसकी कोई निश्चित दूरी नहीं है। तो ये प्रकाश की किरण यहां से निकली रहे, निकलने के पश्चात इस मुकेश के समांतर हो गई और इस दर्पण से टकरा गई। अब ये टकरा कर जाएगी कहां? हमने कहा था, क्या कहा था, कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। जैसा कहा था वैसा हमने कर दिया। हमने जो चार नियम पढ़ाए थे, उन चार नियमों में से हम दो नियम प्रयुक्त करेंगे। दो दो नियम प्रयुक्त करते हुए हम बहुत सारे डायग्राम बनाने वाले हैं आज। ये दूसरी किरण भी इसके समांतर आई, टकराई, मुख्य फोकस से होकर चली गई। अरे ये तो परावर्तित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें मिली कहां पर? मुख्य फोकस पर। तो आप क्या कहोगे प्रतिबिंब के बारे में? यदि कोई पूछ ले कि वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो, दर्पण अवतल हो, फिर प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब कह देना अनंत पर है तो मुख्य फोकस पर बनेगा। स्थिति कहां होगी? मुख्य फोकस पर। ये प्रतिबिंब इतना बड़ा है, कितना बड़ा? इतना बड़ा है इसका, ये सॉरी बिंब इतना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है? छोटा सा बड़ा। तो कैसा बनेगा? सूक्ष्म आकार का। हरे सूक्ष्म आकार का है। ये परावर्तित किरणें आपस में मिल गई है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है? मुझे तो ये मिलती हुई दिख रही है रे, वास्तव में मिल रही है। वास्तव में मिलने वाली परावर्तित किरणें प्रतिबिंब कैसा बनाती है? वास्तविक, वास्तविक होगा, मुख्य फोकस पर होगा, सूक्ष्म आकार का होगा, वास्तविक होगा। यदि आप इसे एक्चुअल में देखना चाहो तो ये इस मुख्य फोकस के चिन्ह सा अर्थात तो थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ता है, अर्थात उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बढ़ता है। ये बात होगी ने जब अनंत पर। अब जल्दी जल्दी छापते जाना, समझा दिया है मैंने कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बढ़ाना है। बाकी आगे की कंडीशन तुम खुद करके देखना, बाद में आगे का वीडियो देखना। पहले ये समझ में आ गया तो आगे की जो स्थितियां हैं अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के मध्य, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस एवं ध्रुव के मध्य, इन सबको एक बार आप खुद करने का प्रयास करना। समझ में ना आए वीडियो देख लेना। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य स्थित, जैसा यहां ये केस कह रहे हैं ना, ये कंडीशन कह रही है ना, वैसा करते जाओ अपने आप प्रतिबिंब बन जाएगा। तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बनता है। तुम खुद थोड़ी बना रहे हो तो अपने आप बनता है। अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, इधर क्या है? अनंत है।
क्या है? अनंत। हमने कहा कहां स्थित है अनंत? वह वक्रता के अंदर के मध्य। तो बना दो अनंत वह वक्रता के अंदर के मध्य। अरे ये बना दिया मैंने, इसका नाम दे दिया ए बी। ये सीधी नहीं लग रही है, ये सीधी करो, अब बी और ज्यादा टेढ़ी हो गई, ये अब सीधी है। ये मैंने बना दिया ए बी को प्रतिबिंब है, सॉरी बिंब है। ए बी क्या है? बिंब है, वस्तु है। अरे यहां से ये प्रकाश की किरण निकली मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये सीधी नहीं बन रही है, सीधी बना लेना, ये डायग्राम गलत बन जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, यहां टकराए, टकराने के पश्चात इसे अपना रास्ता पता है मुझे, मुख्य कोक्ष से होकर जाना है। ये चली गई ना मुख्य कोक्ष से होकर, ये मुख्य कोक्ष से होकर चली गई। मैं दूसरी किरण को या तो वक्रता केंद्र से ले आऊं, या मैं इस ध्रुव पर डाल दूं, जितने कोण से आएगी उतने कोण पर चली जाएगी, या मैं इस मुख्य कोक्ष से होकर ले आऊं, बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो मैं इस ध्रुव से ही ले आता हूं, सॉरी वक्रता केंद्र से ले आता हूं। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात उसी पथ पर वापस चली जाती है। जो आपतित किरण है ना वो ही परावर्तित किरण है। अरे मिली कहां? ये यहां मिली, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां बनेगा, ये बन गया प्रतिबिंब, जिसका नाम दे दिया मैंने ए डैश बी डैश। ये क्या बन गया? प्रतिबिंब। देखिए इतना बड़ा है, ये छोटा सा है। परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो कैसा होगा? उल्टा होगा। किनके मध्य होगा? मुख्य कोक्ष और वक्रता के किनके मध्य होगा? तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक सी व एफ के मध्य, वस्तु से छोटा तथा उल्टा बनता है। ही होगी दूसरी कंडीशन की बात है। अब मैं केस थ्री की चर्चा करूंगा, केस थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु कहां स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ये बड़ा रंग क्या रहे? हाँ उत्तर दर्पण, उत्तर दर्पण की बात करूंगा, उत्तर दर्पण भी बनूंगा, उत्तर तो ले लूंगा। ये मैंने बना दिया इतनी, ये मुख्य अक्ष बना दी, ये ध्रुव बना दिया, ये मुख्य कोक्ष बना दिया, ये वक्रता केंद्र बना दिया। अगला कह रहा है कि वस्तु कहां स्थित है? यहां स्थित है, इसे मैं नाम दे देता हूं ए बी। वस्तु आई, प्रकाश की किरण गई, टकराई, वापस लौट के चली गई, आई की समांतर गई मुख्य कोक्ष से होकर। अरे दूसरे किरण को मैं इस मुख्य कोक्ष से होकर ले आता हूं, ये मुख्य कोक्ष से होकर आएगी, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य कोक्ष के समांतर हो गई, ये मुख्य कोक्ष के समांतर हो गई। अरे ये दोनों प्रकाश की किरणें कहां मिली रे? यहां मिली, तो जहां मिलेगी वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब बढ़ गया, जहां था ना वहीं का वहीं बन गया। ये यही बनाना है, ये बनाने के लिए आपको ये जो वक्रता केंद्र
गुरुए मुके फोक्स, इनको आज बहुत ही सजगता से चयन करना पड़ेगा। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी आती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कभी आप ऐसा रहने की नहीं बढ़ रहा, बढ़ा देते हैं इसको, घुमा के ले आए इधर से इधर ले आए, बाद में इसको ये नहीं मिल रही, हम ये नीचे जा रही थी नीचे नहीं मिलाएंगे, वापस ले जाओ ऊपर। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी चलती है, इस बात का ध्यान रखना। डायग्राम बनाते वक्त स्केल से डायग्राम बनाना। तो मैं प्रतिबिंब की बात करूं तो प्रतिबिंब वास्तविक वक्रता केंद्र पर उल्टा तथा वस्तु के बराबर आता है, वस्तु के बराबर आता है। कितना ये भी है ना, उतना ही क्या है एडेस बिडेस मॉम लेना। चौथी कंडीशन है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोक्स के मध्य हो, तो बना दो। अब बना दो कहाँ भी बना नहीं रहा है, ये बना दिया अवतल दर्पण, मुख्य फोक्स है, वक्रता केंद्र है। अगला कह रहा है कि मैं यहाँ ठीक है तुझे मैं यही बनाऊंगा, तो यहाँ है तुझे यही बना दिया, एपी तेरा नाम दे दिया, प्रकाश की किरण निकल गई मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोक्स से होकर चली गई, तेरा तो काम ही जाने का है। दूसरी किरण को मैं यहाँ तो यहाँ पर जितने कोण से डालू उतने कोण से वापस भेज दू, या मैं इसे मुख्य फोक्स से होकर ले जाऊं और इसके समांतर कर दू, मुझे ये वाला रास्ता ही अच्छा लगा। इधर से ले आया यहाँ मिला दी, तो ये प्रतिबिंब बन गया यहाँ रे, जिसका नाम दे दिया मैंने एडेस बिडेस। अरे देखने से ही पता चल रहा है ये एडेस बिडेस एपी से क्या है, बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, सी से दूर या सी व अनंत के मध्य, अर्थात वक्रता के अंदर व अनंत के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। परावर्तित किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, तो वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब के बारे में छाप लो, क्या वास्तविक वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य उल्टा और वस्तु से बड़ा, यहां छोटा सा था यहां थोड़ा और बड़ा, यहां बढ़ के बराबर हुआ यहां और बढ़ गया, थोड़ी देर में ये और बड़ा होने वाला है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उल्टा था लास्ट में सीधा भी हो जाएगा, उल्टा था लास्ट में सीधा भी हो जाएगा। चार स्थितियां हमने देख ली, पांचवी स्थिति देखते हैं जिसमें कहां स्थित है मुख्य फोक्स पर बैठा है। जब वस्तु मुख्य फोक्स पर स्थित हो, मैं कह रहा था ना कि करने वाला कुछ भी नहीं हुआ, जैसा ये बोल रहा है वैसा ही करने जा रहा हूँ। अवतल दर्पण तो बोल रहा है पहले अवतल दर्पण, इसलिए अवतल दर्पण बना रहा हूँ, नहीं तो उत्तर बना लेता है। ये मुख्य फोक्स बना दी, दुर्वय है ये मुख्य फोक्स है, ये वक्रता केंद्र है, कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ तो यहाँ है, तो तुझे यही बनाऊंगा, तेरा नाम दे दिया मैंने ए बी। यहां से कोई प्रकाश की किरण निकलेगी, इसे टकराएगी, टकराने के पश्चात मुख्य फोक्स से होकर चली जाएगी, चली गई। हे दूसरी किरण आई ध्रुव पर,
जितने कोण से आई थी उतने कोण पर वापस जाना है, जितने कोण से आई थी उतने कोण पर वापस जाना है। तो ये चली गई। अरे ये दिख रहा है ना, पीछे से चौड़ी है आगे से सकरी होती जा रही है, ये आगे आगे चलेगी, ये जब आगे जाएगी ना इन किरणों को हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, तो ये एक जगह मिल जाएगी, रहे क्या होगी मिल जाएगी और ये प्रतिबिंब बन जाएगा ए देश विदेश। लेकिन ये मिलेगी वास्तव में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक, कहाँ बनेगा अनंत, हमें नहीं पता ये कहाँ मिल रही है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ये मिल जरूर रही है, तो ये मिल जरूर रही है तो कहाँ मिलेगी अनंत पर मिलेगी, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु से बड़ा अनंत पर और उल्टा बनेगा। अब एक लास्ट स्थिति और है जिसमें मुख्य कोष एवं दुर्वय के मध्य स्थित हो। इस लास्ट स्थिति को आप जब नाई की दुकान में गए होंगे ना, तो नाई जब आपकी सेविंग करता है ना तो वहां पर यूज करता है, आपको जो दर्पण होता है उस दर्पण के दुर्वय तथा मुख्य कोष के मध्य बैठाता है फिर आपकी सेविंग करता है। नाई को भी फिजिक्स आती है, जब वस्तु मुख्य कोष व दुर्वय के मध्य हो, हमारे काम है जैसा करता जाता है वैसा करते जाते हैं, ज्यादा हमें आता नहीं जितना करता उतना, ये ध्रुवय है ये मुख्य कोष है ये वक्रता केंद्र है, कह रहे कि मैं यहां हूं मुझे मैं यही बनाऊंगा दूर नहीं ले जाऊंगा। प्रकाश की किरण आई टकराएगी, टकराने के पश्चात मुख्य कोष से होकर चली जाएगी। अब मैं दूसरी किरण को या तो जितने कोण से आए थे उतने कोण से ही ले जाता हूं, या मैं इससे वक्रता केंद्र से होकर आपतित कर देता हूं, जो आपको अच्छा लगे उससे करना, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है तो ये करते। ये फैलती हुई प्रतीत हो रही है, ये तो आपस में मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, ये फैलती हुई प्रतीत हो रही है। अरे फैलने का मतलब है कि इधर तो कहीं भी जाओ अनंत पर चले जाओ नहीं मिलेगी, लेकिन मैं यदि पीछे बढ़ाऊंगा ना तो ये पीछे किसी बिंदु पर मिल जाएगी है, क्योंकि ये पीछे से सक्रिय होती जा रही है तो ये यहां मिलती हुई प्रतीत होगी। अरे ये मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी, जहां मिलती हुई प्रतीत होगी वहां क्या बन जाएगा प्रतिबिंब बन जाएगा, ये बड़ा किया मैंने प्रतिबिंब। तो ये छोटा सा है बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा बनेगा सीधा बनेगा, इतनी देर में उल्टा बना देते प्रतिबिंब कैसा बन रहा है सीधा, तो प्रतिबिंब सीधा दर्पण की दाहिनी ओर बड़ा और आभासी बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो कैसा बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगी रहे। ये हो गए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब हम बनाएंगे उत्तल दर्पण से, किससे उत्तल दर्पण से।
मैं मिटा के अवतल के लिए उत्तल कर दूंगा, आप नहीं कर सकते, कर सकते हो तो कर दो। मिटा मैंने तो बस इतना ही चेंज किया, अवतल की जगह उत्तल कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया। ये मैं उत्तल दर्पण बना रहा हूं जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करे, उत्तल दर्पण कहलाता है। या अंदर दसे भाग पर रजत पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल दर्पण कहलाता है। ये इसका दुर्वय है, इसका वास्तविक मुख्य फोकस दाई ओर पर है और वक्रता केंद्र भी दाई ओर होगा, लेकिन मैं मान लेता हूं इसका इधर भी है, ये इधर के जितनी दूरी पर इधर है इतनी दूरी पर मैं मुख्य फोकस मान लूंगा, जितनी दूरी पर ये वक्रता केंद्र है उतनी दूरी पर मैं वक्रता केंद्र मान। अब इसमें क्या होगा रे, एक स्थिति तो तुम्हें पता है कहां अनंत, दूसरी स्थिति चाहे मैं यहां रखू यहां रखू यहां रखू यहां रखू यहां रखू कहीं भी रख दूं, प्रतिबिंब हवासी बनने वाला है, इधर बनने वाला है, आवासी बनने वाला है, इधर बनने वाला है, छोटा बनने वाला है, चाहे आप वस्तु यहां रखो यहां रखो यहां 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 असंत को छोड़ो कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब इनके मध्य बनेगा। तो इसमें दो ही स्थितियां लूंगा, पहली अनंत पर और दूसरी अनंत व दुर्वय के मध्य या निश्चित दूरी पर। अनंत तो एक अनिश्चित दूरी है, हमें नहीं पता कहाँ है अनंत, हम तो मानते हैं वैसे इसके लिए बना रहे हैं, कोई कहे कि आपने ये यहाँ वस्तु बना दी, आपको कैसे पता यहाँ अनंत है, मुझे नहीं पता, तभी मेरे बीच में टेस्ट टेस्ट लगाई, पता नहीं कहाँ है वो वस्तु। जब वस्तु अनंत पर उत्तल दर्पण बना रहा हूँ मैं, उत्तल क्यों बना रहे हो, देव तो उत्तल बना रहे थे, इसने कह रखा है कि उत्तल दर्पण से बनाने में पड़ते हैं, इसने जितना कहा है मैं काम भी उतना ही करूँगा। ये क्या है, अनंत है, यहाँ ये वस्तु है, अनंत से हमने कहा था, अनंत से जो भी किरणें इस दर्पण की ओर आती हुई दिखाई देगी ना वो हमें समांतर ही आती हुई दिखाई देगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर ही आती हुई पैरेलल ही आती हुई दिखाई देगी। अरे जो इसकी समांतर आती है वो मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, लेकिन दर्पण कैसा है, उत्तल है, तो उस उत्तल दर्पण है इसकी किरणों को पास नहीं लेगा, इसके इधर धक्का मारेगा कि इधर जा, इधर जा तो ये यहां से निकलती हुई इस मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी रे, यहां से निकलती हुई प्रतीत होगी, दूसरी किरण भी समांतर ही आई, किरण पर तो समांतर आई, ये यहां से निकलती हुई प्रतीत हुई, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा, यह प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी बनेगा, सूक्ष्म आकार का बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, इसे थोड़ा ऊपर की ओर बनेगा। दूसरी स्थिति जब वस्तु पी दुर्वय व अनंत के मध्य हो, कहीं भी हो, कहीं भी बोले ना जरे कि कौन है वस्तु ना, अवतल दर्पण में तो यहाँ हर स्थिति का रोल, लेकिन इसमें कोई रोल नहीं है, कहीं भी हो, प्रतिबिंब में भी दुर्वय और इसके मध्य बनने वाली है, ये अनंत है, इसके मध्य हो, धार देखने की दूरी पर हो,
ये मैंने वस्तु रख दी, वस्तु के सामने उत्तर दर्पण पड़ा है, आई प्रकाश की किरण इस दुर्वय से सॉरी मुख्य कोप से निकलती हुई प्रतीत हुई। ये दूसरी किरण या तो मैं यहाँ ले आऊँ बाद में इसकी समांतर कर दूँ या मैं इस दुर्वय पर डाल दूँ, जितने कोण से आएगी उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित किरणें आपस में मिल नहीं रही है वास्तव में। इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ ये मिलती हुई पड़ती वो गिरे, अरे जहाँ ये मिलती हुई पड़ती होगी ना वहाँ एक प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, वस्तु से छोटा, मुख्य फोक्स व दुर्वय के मध्य तथा सीधा बनता है। तो जहां जहां हमें सीधी व छोटी चीजें देखनी होती है ना, बड़ी चीज को छोटी, वहां हम उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब कोई कहे ऐसी स्थिति कहां है, आपने गाड़ी का जो साइड मिरर है ना, कोई भी वाहन हो उसका साइड मिरर है, वो साइड मिरर देखा होगा, वो थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता होगा, वहां उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पता नहीं आगे गाड़ी हमारी छोटी है पीछे ट्रक आ रहा है बहुत बड़ा, तो ट्रक तो उस कांच में दिखाई नहीं देगा ना, उस मिरर में दिखाई ही नहीं देगा। जिसे देखने के लिए हम उत्तर दर्पण का प्रयोग करेंगे, कितना ही बड़ा हो कहीं हो हाई दोनों के मध्य छोटा दिखाई देगा। ये बात हुई प्रतिबिंब निर्माण की, हमने खूब प्रतिबिंब बनाए आज, अवतल दर्पण से भी उत्तल से भी दोनों से अलग अलग बनाए हैं। अब हम इन दर्पणों का उपयोग और देख लेते हैं, जिससे हमारा ये परावर्तन और ये दर्पण टॉपिक है ना ये कंप्लीट हो जाता है। दर्पणों की उपयोग आपके लिए इंपोर्टेंट है, हो सकता है पहला मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, उत्तल दर्पण की, अरे उत्तल दर्पण के लिए मैंने प्रतिबिंब निर्माण के लिए स्थितियां दो ली है, तो इसके उपयोग भी क्या होंगे, छोटे होंगे, छोटे ही होंगे अर्थात कम होंगे। इसका काम क्या है, बड़ी चीज को छोटी करके दिखाना तथा सीधी करके दिखाना, जैसी है वैसी की वैसी दिखाई देना, सीधी दिखाई देती है छोटी, बड़ा है उसको छोटा कर देता है, कोई बड़ी चीज है उसको छोटी करके दिखाना है, उत्तल दर्पण नाम में ले लो छोटी दिखेगी। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वाहनों की साइड मिरर में। दूसरा इसका उपयोग ये कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, यहां पर प्रकाश की किरण आई इधर चली गई, यहां आई इधर चली गई, यहां आई इधर चली गई, इसका क्या हम कह रहे लग रहा है ना कि ये फैला रहा है, इसे कहते ही क्या है अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी का मतलब है फैलाने वाला, फैला देता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। ये अवतार दर्पण था, यहाँ पे कोई बल्ब लगा दूं, ये बल्ब के प्रकाश को फैला के करे, फैलाने की जरूरत ना होती है बल्ब के प्रकाश को। आपने देखा होगा बाजारों में शहरों में सड़कों पर जो लाइटें लगी हुई होती है, वो होती तो इनका जो बॉक्स होता है वो इतना सा, लेकिन प्रकाश दूर तक फैलाती है, कारण क्या है, उत्तल दर्पण, स्ट्रीट
लाइटों में, किट लाइटों में इसे प्रयुक्त करेंगे, प्रकाश को फैलाएगी, सुदूर तक रोशनी हो जाएगी। दूसरा है अवतल दर्पण के अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को पास लाने का काम करता है। तो पास कहाँ जरूरत होती है? कोई वाहन है, उस वाहन की हेडलाइट है ना, उसके प्रकाश को ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं होती, उसके प्रकाश को ज्यादा दूर तक करने की जरूरत होती है। तो वो काम कौन करता है? अवतल दर्पण करता है, अभिसारित भी करता है तथा प्रकाश को बहुत दूर तक ले जाता है। यदि मुख्य फोकस पर हो तो अनंत तक भेज देता है। वाहनों की हेडलाइटों में दूसरा हमने अभी बताया था कि जो नाई होता है ना, वो आपको मुख्य फोकस एवं ध्रुव के मध्य बैठाकर आपकी सेविंग करता है, जिससे सेविंग करते टाइम वो आपके चेहरे को उस मिरर में आसानी से देख सके, बड़ा करके देख सके। तो किसमें सेविंग करने के लिए? सेविंग करने के लिए प्रयुक्त दर्पण ऐसा ही है, इसे सेविंग करता है ना, जो सेविंग के लिए जिस मिरर का उपयोग करता है ना, अवतल होता है। एक आप गए होंगे कहाँ, डॉक्टर के पास, कान में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, दांत में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, नाक में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो एक छोटा सा कांच का टुकड़ा रहता है, छोटा सा दर्पण रहता है, उस दर्पण को वो आपके उस दांत पर डालता है। जैसे आपके दांत को कोई कीड़ा काट रहा है तो वो क्या करेगा, मिरर लेगा और उसे जहाँ वो काट रहा है ना, वहाँ उसका फोकस करेगा, जिससे वो बड़ा आकार का दिखाई देगा, उसे बड़ा आकार का दिखाई देगा, जिसे वो आसानी से पता लगेगा। तो दंत रोग इससे सज्ञों द्वारा एक आप घर पर पढ़ते होंगे तो टेबल पर एक टेबल लैंप रखते होंगे, उस टेबल लैंप की काम क्या होता है, उस प्रकाश को आपकी जो टेबल होती है ना वहीं तक फैलाता है, दूर तक नहीं फैलाता। क्यों? कारण यही है अवतल दर्पण टेबल लैंप। ये हो गए हमारे दर्पणों के उपयोग तथा प्रतिबिंब निर्माण की बात। इसी के साथ ये टॉपिक है वो परावर्तन, जो हेडिंग डाली थी हमने वो परावर्तन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अपवर्तन स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।